हेलो फ्रेंड्स, इजी ब्यूटी रेमेडीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका रंग जो धूप की वजह से काला पड़ गया है, धूप में काम करने से, धूप में वर्कआउट करने से या फिर धूल पॉल्यूशन के कारण आपकी स्किन के ऊपर एक टैन की परत जो चढ़ गई है, आपका जो कलर है वो कहीं गुम हो गया है, तो फ्रेंड्स आज की इस नुस्खे के जरिए आप अपने स्किन टोन को वापस पा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपका स्किन टोन जो ब्राइट होने लग जाएगा और आपका कलर इतना साफ हो जाएगा कि आप देखकर खुद ही हैरान रह जाएंगे। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए आज का नुस्खा शुरू करते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे यूज करनी है मॉइस्चराइजर क्रीम। आपके पास फ्रेंड जो भी कोई मॉइस्चराइजर क्रीम है वो आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ क्लिंजिंग मिल्क का। आपको फ्रेंड्स यहाँ पे एक चम्मच जो है क्लिंजिंग मिल्क लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें यूज करेंगे टमाटर के रस का। आप फ्रेंड्स या तो टमाटर का रस निकाल लीजिएगा छलनी में छानकर, या फिर फ्रेंड्स अगर आप इसके बीज भी साथ में ऐड कर लेते हैं तो हमारे चेहरे पर ब्लीचिंग के साथ साथ हमारे चेहरे पर स्कर्ब भी करता है और जो टैन वाली परत चढ़ जाती है हमारे चेहरे पर धूप की किरणों से वो भी रिमूव कर देता है, हमारे चेहरे के रोम छिद्रों में जाकर वहाँ पे फंसे धूल पॉल्यूशन को बाहर निकाल फेंकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टमाटर का रस लेना है इसमें एक चम्मच। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसमें यूज करेंगे कर्ड का यानी कि दही। दही भी फ्रेंड्स हमारे चेहरे को नेचुरली ब्राइट बनाती है क्योंकि फ्रेंड्स दही में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो नेचुरली तरीके से चेहरे को गोरा करने में सहायता करती है। तो फ्रेंड्स दही आपको यहाँ पे फ्रेश लेनी है, फ्रेश दही आपको इसमें ऐड करनी होगी। आपको फ्रेंड्स इसमें दही ऐड करनी है एक चम्मच। एक चम्मच दही ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इस तरह से फ्रेंड्स आप मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जो है इसको अपने हाथ के ऊपर या अपने चेहरे के ऊपर जहाँ भी आप इसे यूज करना चाहते हैं वहाँ पे इस तरह से इसकी मसाज कीजिएगा। आपको ये मसाज फ्रेंड्स हल्के हाथों से करनी है और आपको ये मसाज जो सर्कुलर मोशन में करनी होगी। आपको ये मसाज फ्रेंड्स तब तक करनी है जब तक कि ये आपके स्किन के अंदर ना समा जाए, यानी कि फ्रेंड जो मैंने यहाँ पे यूज किया है लेप वो आपके स्किन के अंदर चला जाएगा और जो वहाँ पे जो धूल पॉल्यूशन जमा हो गई है टैन के कारण सांवलापन आ गया है उसे रिमूव कर देगा। तो आपको ये मसाज लगभग तब तक करनी है जब तक कि ये जो पेस्ट है आपकी स्किन के अंदर ना चला जाए। स्किन के अंदर चला जाने के बाद फ्रेंड्स आप इसको अपने चेहरे पर दोबारा से इस तरह से लगाकर रात में सो जाइएगा और सुबह उठकर अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिएगा। और एक बात यह है कि फ्रेंड्स आप इसे लगाने से पहले अपने चेहरे को गुनगुने पानी से या फिर नॉर्मल पानी से एक बार ही अच्छे से वॉश कर लीजिएगा क्योंकि फ्रेंड्स आपके चेहरे पर जो बाहर से धूल पॉल्यूशन जम जाती है वो निकल जाएगी। आप इस नुस्खे को रात में यूज कीजिए और लगाकर सो जाइएगा। सुबह उठकर अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। आप इस नुस्खे को वीक में 2 से 3 बार जरूर यूज कीजिए। एक ही वीक में देखेंगे कि आपके चेहरे का जो कालापन है वो कैसे रिमूव हो गया है। और फ्रेंड्स गर्मियों का मौसम आ रहा है तो आप इस नुस्खे को हफ्ते में एक बार जरूर यूज कर लीजिएगा। और वो लोग तो जरूर करें जो धूप में काम करते हैं, धूप में वर्कआउट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा वीडियो। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के जरिए कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जाते जाते फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।